दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिविल लाइन स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में सुबह के समय लगी भीषण आग से भारी क्षति हुई है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। आग लगने से कंप्यूटर नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिस कारण रिकॉर्ड्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस आग में कई जरूरी दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि बैंक के सुरक्षा गार्ड ने क्षेत्रीय मुख्यालय की दूसरी शाखा से धुआं निकल देखा तो उसने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। कुमार गुप्ता, मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर आरएसपीसी जलंधर। सवेरे 5:45 बजे टेलीफोन आया मेन ब्रांच तो, सेक्शन ने चक लग गई है। मैं 6 बजे इतने पहुँच गया। इनका मेन टाइम फायर ब्रिगेड वाले असं बुला लिया, फायर ब्रिगेड भी इमीजिएटली पहुँच गया। उन्होंने आके अग पर काबू पा लिया। कोई अग के काबू पाने कोई घंटा को लग गया। सान हले तो एसटीमेट करना औखा है, बट साडा सैक्शन सारा का सारा खत्म हो गया। रजिंदर शर्मा साफर अफसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिहड़ा कि मेन ब्रांच के अग सी। इस अग की सूचना 6:05 सानूं फायर ब्रिगेड साढ़े फायर स्टेशन कंट्रोल रूम से मिली। उस वेले असी तुरंत फायर ब्रिगेड जलंधर तो जी मेन स्टेशन तो अपने तो और दोवे सब स्टेशन तो गड्डिया भेज दिखा। इस तुम बाद फिर असी एक होर गड्डी भेज दी। किन्नी हजे फिलहाल कोई पता नहीं लगे। उतो का जो कुलवंत सिंह एस आई है उन्होंने गार्ड है, उ दस सकते।